हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्न लाता हूं, जो आपके यूपी गेटेड बीएचयू आईसीआर के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, जिसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फलों में तीखापन एवं उसका रंग किसके कारण होता है। तो सबसे पहले आता है पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरिका जेंथिन के कारण। सेब का लाल रंग किसके कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। टमाटर का पीला रंग किसके कारण होता है, बीटा कैरोटीन के कारण। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, कैप्सेथिन के कारण। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण। गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, कुरकुमिन के कारण। करेले में कड़वापन किसके कारण होता है, मेडिकोसाइट के कारण। खीरे में कड़वाहट किसके कारण होती है, कुकुरबिटासिन के कारण। प्याज में पीला रंग किसके कारण होता है, क्यूरेस्टीन के कारण। प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण। प्याज में तीखापन किसके कारण होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। मूली में तीखापन किसके कारण होता है, आइसोसाइनेट के कारण। सरसों में तीव्रगंध किसके कारण आती है, सिनिग्रीन या आइसोथियोसाइनेट के कारण। लहसुन में तीखापन किसके कारण आता है, डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण। आलू में कंद का हरापन किसके कारण होता है, सोलेनिन के कारण। काली मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, ओलियोरिजिन के कारण। पत्ता गोभी में तीव्रगंध किसके कारण आती है, सिनिग्रीन के कारण। हेलो गाइस, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।